अब आपको यहाँ बताया, आशूरा का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। शबिया जुलजला का जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ आज शाम करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। आपको बताएं, आशूरा का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। शबिया जुलजला का जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ आज शाम करबला पहुँच जाएगा और वहीं पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। इस हवाले से मजीद जाएंगे वे नुमाइंदा हसाम अजमल से। जी हसाम, बताइएगा जुलूस किन किन रास्तों से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? जनाब, रात को जो जुलूस है वो निसार हवेली से बरामद हो चुका है और इस वक्त मोची गेट पर, अंदरून मोची गेट में, वो मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से होता हुआ इस वक्त मौजूद है नवाब साहब चौक में। और यहाँ से जो है वो जुलूस आगे जाएगा रंग महल में और वहाँ पर नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी और उसके बाद रंग महल से ये आगे चलेगा और टिब्बी सिटी से होता हुआ तहसील बाज़ार, तहसील बाज़ार से ये जाएगा भाटी और भाटी से होता हुआ मगरिब के वक्त ये करबला गामे शाह पे जाकर इख्तिताम पज़ीर होगा। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त रात को भी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी और इस वक्त सुबह में भी 13,000 से ज़ायद जो है पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते वो तैनात किए जा चुके हैं लाहौर शहर में। इसके अलावा जो सेफ सिटी कैमराज हैं उनके ज़रिए भी मुकम्मल सिक्योरिटी चेक रखा जा रहा है और सिक्योरिटी के चेक कैमराज के लिए बकायदा प्रोटोकॉल्स और ऑफिसेज बना दिए गए हैं जिसमें डीसी ऑफिस और सेक्रेटेरिएट, सूबाई सेक्रेटेरिएट शामिल है। इसके अलावा सबीलों का इंतज़ाम किया गया है जो जगह जगह पर जहाँ से जुलूस गुजरेगा वहाँ पर पानी की और दूध की सबीलें, इसके अलावा लंगर हैं हलीम और नान, और इसके अलावा जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ और जो हमारे फर्स्ट एड स्टाफ है वो गवर्नमेंट तरफ से, हुकूमत की तरफ से वो मौजूद है और 1122 वाले भी मौजूद हैं। वार्डन्स जो हैं, ट्रैफिक वार्डन्स वो मौजूद हैं, डॉल्फिन्स वाले अपना गश्त जो है वो कर रहे हैं और पूरे तरीके से सिक्योरिटी चेक्स रखे गए हैं और 4 दर्जा सिक्योरिटी बनाई गई है हर उस जगह पर जहाँ से ये जुलूस गुजरेगा। वहाँ पे बकायदा वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, वहाँ पे खारदार तारे लगाई गई हैं और वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो 2-2, 3-3 रखे गए हैं। मतलब एक जगह से चेकिंग होगी, उसके बाद अलग से है एक और वॉक थ्रू गेट ख्वातीन के लिए जो है वो अलग से इंतज़ाम किया गया है लेडी कॉन्स्टेबल्स का, और उसके अलावा जो SHOs हैं वो अलग से तैनात हैं जो अलग से चेकिंग कर रहे हैं लोगों की। फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके अलावा जहाँ जहाँ से जुलूस गुजर रहा है वहाँ वहाँ मोबाइल की सर्विसेज कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जी शुक्रिया हसाम अजमल आपका। आपको बताया, आशूरा का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। शबिया जुलजना का जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ आज शाम करबला पहुंच जाएगा और वहीं पे इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदा हसाम अजमल हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें आगाह किया कि सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए और पूरी कोशिश की जा रही है माहौल को पुरमन रखा जाए। आज जैसा कि आज 9 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम है और तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं, सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए हैं, पुलिस तैनात की गई है, रेंजर्स तैनात किए गए हैं और इसके साथ साथ ख्वातीन भी तैनात की गई हैं और माहौल को पुरमन करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं।